जी बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब। जैसा कि आपको पता है 11 बज गए हैं सुबह के और देखिए बारिश कितनी तेज़ हो रही है। हमने बाहर जाना था घूमने लेकिन हम नहीं जा सके, तो सोचा आप लोगों के साथ वीडियो बना के शेयर कर लेते हैं छोटी सी वीडियो। और सही तो है नहीं हमारा क्योंकि घर सारा बंद है, रेंट का है इसलिए। और अब नहाने का दिल कर रहा है तो गली में नहा नहीं सकते क्योंकि गली में अगर निकल गए तो सब लोग देखेंगे ये कैसे होते बारिश में नहा रही हैं। ईशा बता नहीं रही, आप मैं बता रही, गैस नहीं आ रही और मैं नाश्ता करना। ओहो, गैस भी चली गई, गैस पड़ी है और इसको भूख पड़ी। फिर से इस पर से नाश्ता नहीं किया, बस इसको मैं उठा रही थी कि जो नाश्ता कर लो, पर ये इतनी ढीठ किस्म की लड़की है, एक लड़की है, ये उड़ती नहीं है सुबह, और कहती 12 से 12 बजे से पहले मुझे उठाऊना। तो ये कैसे हो सकता है, कैसे हो सकता है सुबह इंसान उठे नाश्ता वगैरह फिर फ्रेश हो जाए। तो क्या ख्याल है आप लोगों का बार? हाँ जी, तो देख रहे थे आप, हम बातें कर रहे थे बारिश कब तक आ रहे थे हम आपको। तो बारिश थोड़ी हल्की थी लेकिन काफ़ी प्यारा मौसम है, तो क्या करें फिर बताओ ईशा। क्या बारिश बहुत तेज़ हो रही है और हमने पार्क जाना था लेकिन हम लोग नहीं गए, नाश्ता करना था, गैस नहीं आ रही, भूख पड़ी हुई है। कोई एक मसला हो पाकिस्तान में तो भी है, कभी गैस नहीं है, कभी बिजली नहीं है, कभी पानी नहीं है, और अब नाश्ता करना तो गैस नहीं है, गैस और फिर गैस आएगी तो फिर हो सकता है कि पानी ना आए। अब कौन कौन से दुख आप लोगों के साथ शेयर करें, कौन कौन से टेंशन आपको बताएं हम कि पाकिस्तान में क्या कुछ हो रहा है। एक टेंशन हो तो मतलब बताएं तो भाई क्या कहना आपके इस बारे में। मेरा ये कहना है कि जल्दी जल्दी गैस ऑयल मैं अपनी पेट पूजा करूँ, पेट पूजा करें।